हमारे पास है हायर कंपनी की स्प्लिट एसी का रिमोट, तो मैं आप लोगों को इसका पूरा फीचर्स बताने वाला हूँ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि रिमोट का सारा फीचर्स मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाला हूँ। तो चलिए वन बाय वन करके शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ऑन ऑफ बटन नॉर्मली रहता है। ये जो बटन है हमारे पास टर्बो और क्विट का है, इस बटन को आप प्रेस कीजिए। टर्बो मोड में जैसे आएगा तो कंप्रेसर हाई स्पीड में चलेगा और कूलिंग आपको जहाँ पर 20 मिनट में मिलता है वहाँ आपको 15 से 10 मिनट में सारा कूलिंग मिलने लगेगा रूम में, ठीक है। तो भाई टर्बो मोड का बहुत ही अच्छा फीचर्स है, आप उसको यूज़ कर सकते हो, मुझे तो ये काफ़ी कमाल का लगता है। नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर कूल का अलग से ही ऑप्शन, इस बटन को प्रेस कीजिएगा ऑटोमेटिक कूल मोड में आ जाएगा। तो कूल मोड में अलग से मोड को, जैसे अलग अलग रिमोट में रहता है भाई, मोड को हमको अलग अलग मतलब सेटअप करना पड़ता है, ड्राई मोड, ये मोड, वो मोड। भाई इसमें नॉर्मल सीधा दिया हुआ आपका कूल मोड पर सेट कर सकते हो, बाकी टेम्परेचर एडजस्टमेंट अपने हिसाब से आप कर सकते हो। सेल्फ क्लीन का ऑप्शन है, इसमें सेल्फ क्लीन कीजिएगा ऑटोमेटिक आपका जो ऊपर में गंदगी रहता है कूलिंग कॉइल में वो आपका क्लीन हो जाएगा यहाँ पर सेल्फ क्लीन में। तो ये काफ़ी कमाल का फीचर्स है, मुझे भी ये बहुत बढ़िया लगा, अच्छा फीचर्स है ये। नेक्स्ट आता है ड्राई मोड। ड्राई मोड आपको पता ही होगा कि बरसात के समय में जब आता है तो हम लोग ड्राई मोड का यूज़ करते हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी उसमें ज़्यादा रहता है, चिपचिपापन हमें ज़्यादा लगता है। तो भाई इसमें जो हवा मिलेगा हम लोगों को एसी का, तो इसमें चिपचिपापन आप लोगों को नहीं लगेगा, प्लस आपको कूलिंग बेहतर से बेहतर देखने को मिल जाएगा। तो ये ड्राई मोड का फीचर जो कि मुझे लगता है बहुत कमाल का फीचर्स दिया हुआ ये हायर के एसी के रिमोट में, आप उसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर्स की तरफ बढ़ जाएंगे तो नेक्स्ट फीचर्स हमारा क्या है वो आप ध्यान से यहाँ पर देखिए, टेम्परेचर अप डाउन नॉर्मली, जो कि एसी में आप देखते होंगे हर रिमोट में। लेफ्ट साइड वाला स्विंग है हमारा हॉरिजॉन्टल और राइट साइड वाला स्विंग है हमारा वर्टिकल, दो तरह का स्विंग यहाँ पर काम करता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैं आप लोगों को स्विंग दिखा रहा हूँ, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल है। तो आप लोग कौन सा वो स्विंग है मैं आप लोग दिखाऊंगा, यहाँ पे ये देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल स्विंग है, ये इंटरनली रहता है अंदर के साइड में जो कि फ्लिप राइट लेफ्ट करता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल स्विंग इसे हम कहते हैं। और सामने वाला जो रहता है वो हमारा फ्लिप जो अप डाउन होता है वो हमारा वर्टिकल स्विंग होता है। दो तरह का स्विंग हमें देखने को मिल जाता है इस रिमोट में। नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़ेंगे तो बीच वाला हमारा फ़ैन स्पीड है, जो कि आप फ़ैन के स्पीड को घटा और बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, के हवा का फ्लो हमें कम चाहिए तो कम कर लो, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा कर सकते हैं फ़ैन के स्पीड को। तो भाई ये बहुत बढ़िया, मुझे ये भी लगा कि फ़ैन का स्पीड वाला जो ऑप्शन है वो सामने ही है, ज़्यादा आपको ऊपर नीचे नहीं देखना पड़ेगा। हेल्थ का एक फीचर बटन को प्रेस कीजिएगा तो आपका जो कूलिंग रहता है वो आपको थोड़ा हल्का मिलेगा, लेकिन हाँ इसमें आपका हेल्थ को प्रॉब्लम नहीं करेगा, इस तरह से इसमें ये मोड फीचर्स दिया हुआ है। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो हमें क्या मिलता है, वो हमें मिलता है स्लीप मोड। स्लीप मोड 8 घंटे का प्रोसेस रहता है, हर एक घंटे में एक टेम्परेचर अप होता है, जैसे कि आप 22 डिग्री में सेटअप किए हुए तो हर घंटे में 23 हो जाएगा, दूसरे घंटे में 24 हो गया, इस तरह से 8 घंटे का प्रोसेस चलता है। नेक्स्ट फीचर्स की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो भाई इसमें क्या हम लोग आता है, एक्स्ट्रा फंक्शंस, यहाँ पर आप देख सकते हैं बगल में एक्स्ट्रा फंक्शंस है। स्लीप मोड में तो आप समझ ही गए होंगे कि स्लीप मोड को किस तरह से यूज़ किया जाता है, नॉर्मल से ये फीचर्स है जो कि हम लोग रात के समय में यूज़ करते हैं। एक्स्ट्रा फंक्शन में बात करेंगे तो भाई जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया हर रिमोट में मोड का ऑप्शन रहता है, इस तरह से ये मोड का पे काम करता है, कभी कूल मोड में आ जाएगा तो कभी फ़ैन मोड में, इस तरह से आपको यहाँ पे ऑप्शन बता देता है एक्स्ट्रा फंक्शंस। कभी आपको कूल मोड बटन काम नहीं करे तो आप इसको यूज़ कर सकते हो एक्स्ट्रा फंक्शंस का। तो ये भी मुझे काफ़ी कमाल का लगा, काफ़ी बढ़िया रहेगा, अलग से भी एक ऑप्शन आपको मिल जाता है इस रिमोट में, मोड आपका कूल मोड काम नहीं करता तो ऊपर वाला बटन। नेक्स्ट टाइम फीचर्स की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आता है टाइमर ऑन और टाइमर ऑफ। टाइमर ऑन को आप सेट कीजिएगा तो देख सकते हैं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, टाइमर क्या होता है वो आप समझे। टाइमर का मतलब ये थे हम चाहते हैं मेरा एसी 2 घंटे के बाद ऑटोमेटिक ऑन हो जाए, तो यहाँ से आप टाइमिंग सेट कर सकते हो। टाइमिंग सेट करने के बाद उतना टाइम में होते ही आपका एसी ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, लेकिन एमसीबी से आप स्विच नहीं काटिएगा, बस रिमोट से आपको एसी को बंद करना है। टाइमर ऑफ का भी सिस्टम नॉर्मली वही रहता है, जितना टाइम सेट करोगे उतना टाइम होने के बाद एसी ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। यहाँ कैंसिल कर सकते हैं लास्ट के बटन में, यहाँ लॉक का बटन है, इस बटन को प्रेस कीजिएगा तो आपका जो रिमोट है वो लॉक हो जाएगा। तो ये भी मुझे बहुत बढ़िया लगा। लास्ट में हम लोग जो ऑप्शन आता है वो हमारा रीसेट का आता है, ठीक है, और बीच में जो मिडिल में था वो हमारा लाइट का ऑप्शन था। तो ये कुछ कमाल का फीचर्स था हायर के एसी के रिमोट में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद।